सरूपा जी, बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में बीते सत्र में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने खाद्य तेलों की कस्टम ड्यूटी घटा दी है CPO, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की। ऐसे में इसका इम्पैक्ट हम आज खाद्य तेल के वायदा बाजार पर पड़ता हुआ देख भी रहे हैं कि खाद्य तेलों का वायदा बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार जिस जैसे एक के बाद एक फैसला लिए जा रही है और सरसों का वायदा भी बैन कर दिया गया है, तो खाद्य तेलों का वायदा बाजार आगे जाके कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए अखिलेश, मैंने लगातार यही बताया है कि खाद्य तेलों में अब तेजी गायब हो चुकी है, अब तेजी की तरफ नहीं है बाजार। और जिस तरीके से सरकार जो है काफी एक्टिव है और फेस्टिवल पर अभी फिलहाल सरकार ने खाने के तेलों पर काफी बड़ी राहत दे दी है, जो ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है पाम ऑयल पर और क्रूड सोया ऑयल पर लगने वाली, और साथ ही इनके साथ एग्रीकल्चर सेस को भी हटा दिया गया है, तो मतलब घटा दिया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी बाजार जो है उठता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता था कि अभी फेस्टिवल सीजन के चलते एक बार फिर से तेलों की जो है वो मांग बढ़ जाएगी या फिर तेलों को ऊपर ले जाया जाएगा, जिसकी वजह से कीमतें जो है रिकॉर्ड स्तरों पर छू सकती हैं। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा ना हो इसके लिए पहले ही कदम उठा लिया है, और जिस तरीके से अब इम्पोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट अब मार्केट के ऊपर भी हम देखने को मिल जाएगा। और अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, इसके चलते हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बाजार उठते हुए भी दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही गिरावट की तरफ जा सकता है मार्केट, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। फंसने वाली बात होगी अगर इसके अंदर अब इन लेवल्स के ऊपर बाइंग दिया जाए, मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोजिशन होनी चाहिए और वेट एंड वॉच करें या फिर सेलिंग की तरफ रहें। और जैसे कि मैंने लगातार बताया कि सोयाबीन 5000 का स्तर कभी भी आपको दिखा सकता है, तो आज आप देखिए अक्टूबर वायदा भी 5300 पर है, नवंबर वायदा 5200 के आसपास पहुंच चुका है, तो आप मान के चलिए सोयाबीन के जो रेट रहेंगे वो मुझे लगता है कि 4800-5500 ये रेंज में बाजार सस्टेन करता दिखाई देगा। और जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है वो 1100-1150 से 1200 की रेंज में पकड़ेगा, और मस्टर्ड तो अभी अगले वायदा तो इसके काफी बैन कर दिए गए हैं, तो अभी जो करंट वायदा है ये मुझे लगता है कि 8000 के आसपास इसका जो नवंबर वायदा है वो 8000 या 7800 के आसपास सस्टेनेबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है। एडिबल ऑयल में बचकर रहे, सोयाबीन में खरीदारी से बचें, नीचे में 5000 के स्तर सोयाबीन कभी भी दिखा सकता है जी।